शुरू में तो मैं पढ़ रहा था, बेसिकली बाहर था मैं, वहाँ पर ही मैंने बैचलर्स किया। आयरलैंड में था मैं तकरीबन कुछ 7-8 साल, अच्छा, उधर बैचलर्स किया। तो आप तो फिर बड़े यू हैं फिर, मतलब नहीं, यूँ लगता भी नहीं हूँ, जो लोग मिलते हैं उनको भी एक दफ़ा बताना पड़ता है कि नहीं मैं बाहर कोई 11-1 साल रह के आया हूँ। ग्यारह तो साल आयरलैंड में रहे नहीं, आप? तकरीबन 7-8 साल उधर था, फिर 2 साल इंग्लैंड में था, अच्छा, तो वहाँ पर भी जॉब की थी। तो वो मास्टर्स करने के बाद आया था इधर पाकिस्तान, और वहाँ पर जब मैं जॉब कर रहा था तो वो काफ़ी मतलब वेल पेड थी। वैसे भी आप पाउंड्स को और जब इनको कर ऑब्वियसली, लेते हैं मतलब तो वो हो हाँ, जाता है। तो यहाँ पर आया तो उसके तकरीबन कोई मेरे हमें 5% सैलरी मुझे ऑफर हुई। तो लोगों ने मुझे यहाँ पे, दोस्तों ने ये कहा कि अरे वापस भाग जाएगा 1 महीने के अंदर, कितना यहाँ पे रहेगा। तो मैं बस रह गया, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इधर ही रहते हैं। तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, ये डिसीजन वहां से इधर पाकिस्तान आने का, वो उसकी कोई वजह खास? पर्सनल रीजन ही थे बेसिकली। फैमिली में मैं चूंकि सबसे बड़ा बेटा हूँ तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स जो हैं वो यहाँ पर अकेले हैं तो आ जाना चाहिए, क्योंकि भाई भी बाहर ही था और बहन जो है वो भी मैरिड है, तो इसलिए वापस आ गया यहाँ पर। तो उस वक्त तो कुछ लॉजिकल रीज़न नहीं था ऐसा, लोगों को बताता था वो कहते थे यार उनको बुला लो इधर ये वो। लेकिन अच्छा, इतना कोई मैं एक्सप्रेसिव हूँ भी नहीं कि घर में भी कोई ऐसा हो कि हर वक्त अम्मी जान और अब्बू जान करो, ऐसे भी कोई बात नहीं है। लेकिन बस वो फील हो गया था कि मेरे ख्याल में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर मेरी जो एक लिमिटेशन है, मैं ज़्यादा फ़ोन के ऊपर भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, मुझे अच्छे भी नहीं लगता फ़ोन पर बात करना, तो वो एक कांटेक्ट भी थोड़ा कम ही था। और फिर वहाँ से इन 10-11 साल में मेरे ख्याल में सिर्फ 2 दफ़ा पाकिस्तान आया हूँ, तो इसलिए भी थोड़ा मुझे लग रहा था कि मेरे से तो ये हो नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं 6 महीने के बाद ट्रैवल कर लेते हैं, तो बेहतर ये कि यहीं पर मूव कर लें। तो ये कौन सा साल था जब आप आए वापस? ये आई थिंक 2011-12 की बात है। 11, 12, जी एंड दिस इज ऑल्सो वेन यू स्टार्टेड सीबीए? जी हाँ, वो साथ साथ ही चल रहा था। फिर उसके उसी दौरान में जो है वो नौकरी भी कर ही रहा था मैं, तो वो चूंकि कॉमिक्स से तो मैनेज कर लेता था मैं, मतलब कभी कभी इवनिंग्स में कुछ कर लिया इस किस्म की चीज़ डाल दिया। तो अरसलान, आपने शुरू में ही बड़ी जल्दी, आई थिंक बाय 2014 आपके फेसबुक के ऊपर मिलियन आपने हिट कर लिया था, जी तो वो जब आपने ये करना शुरू किया शुरू में और जो फीडबैक आना शुरू हुआ, व्हाट वाज योर असेसमेंट कि यार ये क्यों इतना क्लिक कर रहा है मेरा कंटेंट लोगों के साथ? सर, ऑनेस्टली कुछ ऐसे पता तो नहीं चला कि क्यों क्लिक कर रहे हैं। एक थोड़ी सी चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ की जो यूथ थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी गोरों से। उनका मैं वर्ड भूल गया हूँ, अभी तो मीम्स उनको कहते थे, लेकिन उससे पहले भी कुछ एक था, वो ट्रोल्स थे, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, वही ह्यूमर चल रहा था। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान का जितना ज़बरदस्त का ह्यूमर है और जितने फनी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे यहाँ पे लोगों का लगता है, वो उस तरह आ नहीं रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो एक वो थोड़ी यूनिकनेस थी, लोगों को नज़र आया कि यार ये हमारा ह्यूमर ही है लेकिन एक कॉमिक आर्ट में आ रहा है। कॉमिक्स भी इधर उस तरह कोई सीन नहीं था पाकिस्तान के अंदर, तो वो शायद वो यूनिकनेस ही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यही है कि कुछ हट के हो रहा था, मतलब कोई और कर नहीं रहा था वो, तो इसलिए क्लिक कर गया। और जो आपका फॉर्मेट हमेशा से रहा, आपने मूवी रिव्यूज भी किए, ज्यादातर आपने पॉप कल्चर के ऊपर अपना अपनी कमेंट्री की, वाज दैट आल्सो अ कॉन्शियस डिसीजन? इज दैट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी? आपका सोचने का तरीका ऐसे है इसलिए वो आपके, मैं तो कंटेंट नहीं कहूंगा, मैं आपके आर्ट के थ्रू वो कन्वे होता गया, या उसकी क्या, वो उसके पीछे कुछ सोच थी? नहीं, ऐसे सोच तो कोई भी नहीं थी, बस बेसिकली फिल्में देखा करता था, तो अक्सर वक्त ऐसी चीज़ें देख रहा होता था जो बाकी लोग नहीं देख रहे होते थे। तो वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि वापस आते थे दोस्तों के साथ भी मूवी देख के, तो मैं फिर ऐसी ऐसी बातें कर रहा था कि वो देखा था ये देखा था, वो कहते थे यार हमने तो ये चीज़ें नोट नहीं की। तो मैंने कह रहा अगर नोट कर रहा हूँ तो शायद मैं किसी और तरीके से देखता हूँ फिल्में। फिर उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि बहुत सी ऐसी फिल्में थी जो मुझे पसंद भी आती थी, लेकिन उसके अंदर भी मैं कॉमेडी ढूंढ रहा होता था। क्योंकि मुझे बाज़ अवकात ऐसे लगता था कि हम लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जितनी भी चीज़ होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा उसके अंदर से वो स्नैप आउट करने के लिए ना बताता था कि यार दिस इज़ ऑल एंटरटेनमेंट, इसको इतना दिल पे नहीं लेना। तो वो करने के लिए मैं थोड़ा सा ह्यूमर डाल लेता था, लेट्स से अगर कोई बहुत इमोशनल सीन है तो उसके अंदर मैं हल्का फुल्का सा कोई जोक कर लेता था, जो सिनेमा में दोस्त बैठे होते थे वो हंस रहे होते थे, कोई एक कॉमेंट आ जाता था, तो उसी तरीके से किया था। फिर एक चीज़ ये हो गई थी कि काफ़ी ऐसा कंटेंट भी मिल गया था जिसके ऊपर बात करने का भी मज़ा आ रहा था, जो कि इतना कोई ख़ास नहीं था कंटेंट, तो वो उस वजह से भी शायद ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि बहुत से लोग वो कहना चाह रहे थे, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म था नहीं जो कि बात कर सके स्पेशली TVC से रिलेटेड। तो वो जब बात की वो लोगों को थोड़ा पसंद आया, उन्होंने कहा कि यार हम भी यही कहना चाह रहे थे लेकिन कोई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिस पर बात करें। हमारा और आपका वेन डायग्राम में वो ओवरलैप है जी काफी, हाँ एक बड़े हिस्से के ऊपर, के जी जिस हाँ तरह हम ड्रामों या फिल्मों के ऊपर अब रिव्यू कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आप तो काफी अरसे से कर रहे हैं,
तो एक कॉमन कॉमनैलिटी एक निकलती है। बड़ा शुगल का काम है वैसे ही, और जी हाँ इसकी जी एक हाँ बड़ी स्ट्रांग ऑडियंस है। जी हाँ। अच्छा इसके अंदर एक ये हो गया था, आप तो माशाल्लाह अब रिव्यू कर रहे हैं, मेरा इनिशियली रिव्यू का कोई वो नहीं था, कॉन्सेप्ट ही आपका नहीं था, स्पूफ का ज्यादा था। स्पूफ का बेसिकली बनाते, मैं पहले भी स्पूफ ही था लेकिन उसको मैं कह देता था सीबीए रिव्यू, अब वो कॉमिक्स वाला और वो रिव्यू के हिसाब से मैं कहता था, लेकिन लोगों को इतनी खास कुछ समझ नहीं, वो थोड़ा सीरियस लेना शुरू हो गया कि भाई ये अगर इसने बात कर ली इस तरह तो ये तो कोई इवेल्युएशन हो गई इस चीज़ की कि अच्छी है या बुरी है, तो इसलिए फिर मैं अब उनको स्पूफ कहना शुरू हो गया हूँ। मतलब मुझे अब यही होता है कि इतनी मेहनत से काम होता है तो मैं इस तरह बैठ के बिल्कुल ही काट दूँ बीच में से, क्योंकि मैंने तो इन एनी केस ह्यूमर ही ढूंढना है बीच में से। बहुत ही ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं, स्पेशली अगर आप मेरे ड्रामास का देखें तो मैंने मेरा ख्याल में लाइफ में कोई 3-4 ड्रामास ही देखे हैं, वो यही हैं जिनके मैंने स्पूफ मेरे बना पास लिए थे। तुम्हों का जी बड़ा डिटेल्ड हाँ जी, आपका वो था। असल में हुआ यही था, मैंने लोगों से पूछा कि यार कौन से ड्रामाज हैं जो कि बड़े, एक तो पहले मैंने खुद देखा था सुनो चंदा, वो ऐसी वो नादिया अफगन मेरे साथ कांटेक्ट में थी तो उनके फेसबुक मैंने देखा क्लिप, तो मैं फिर यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया, वो तो एक ड्रामा मैंने खुद देख लिया। तो उसके बाद मैंने लोगों से पूछा भाई कौन सा ड्रामा है, तो बड़े लोगों ने बताया जी ये कोई ड्रामा है मेरे पास तो कोई 7-8 एपिसोड्स हो गई थी, तो मैंने पूछा था, मैंने स्टोरी पूछी तो उन्होंने कहा यार इस तरह है बेगम है कहीं और बंदा है उसमें इंटरेस्टेड होगी, मैं कह रही किस तरह मैं देखूंगा, फिर मैंने देखना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार ये भी एक लोगों में इतना इंटरेस्ट है तो इसके बारे में पता तो होना चाहिए मुझे, तो पहली 1-2 एपिसोड देखी तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मैं एक्चुअली जो है मतलब मुझे यही था कि अगर तो मेरे से ना देखा गया तो मैं नहीं देख सकता कि 30-30 एपिसोड कौन देखे फिर उस पर बात भी करे, तो मुझे एक्चुअली वो अच्छा लगा, तो वो 10-12 एपिसोड जब मैंने देखी उसके बाद ही मैंने कहा कि अरे ड्रामा वाकई अच्छा है मज़े का है, इसकी मैं कॉमेडी वाला एलिमेंट डाल के ना इसकी एक और स्टोरी नरेट कर दूंगा, तो वही मैंने किया उसके ऊपर भी, उसी को भी इसलिए फिर स्पूफ कहता हूँ रिव्यू नहीं कहता, हालांकि अगर आप देखें मेरे पास तुमो मुझे बहुत पसंद था, मतलब मैं एक्चुअली फैन एज अ फैन देखता रहा हूँ, फिर जो वो था अहदे वफा भी मैंने इसी तरह देखा था, उसका एक ही पार्ट बनाया था मैंने, दूसरा फिर बिजी हो गया था, और तीसरा मैंने बनाया था ये दिल मेरा जो ये दिल चंचल का मेरा जो था, वो भी सजना ये तीनों ऐसे ड्रामाज हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और मैं बड़ा खुश भी होता क्योंकि मैं नया था ड्रामा इंडस्ट्री देखने में एज ए व्यूअर, और ये एक साथ ही मेरे ख्याल में आगे पीछे आ रहे थे, तो मैं अपनी फैमिली से ये पूछा था कि यार ये हर दफ़ा इसी तरह माहौल होता है, इस इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज आगे पीछे आ रहे होते, तो उन्होंने कहा नहीं हर दफ़ा तो नहीं वो होता। तुक्का एक ऐसा हाँ चल रहा था वो उस एक टाइम ऐसा पे। स्पेल था कि मैं तो फैन हो गया इंडस्ट्री का। बट मैं ये एक्नॉलेज करना चाहूंगा बात कि आपने कॉन्शियसली उसको रिव्यू से स्पूफ में कर दिया है, जी बिकॉज जी ये बड़ा एक आई थिंक गोज ऑन टू शो कि आप कितना माइंडफुल हैं अबाउट द कॉन्टेंट दैट यू क्रिएटिंग, कि वो जी गलत तरीके से पिच ना हो जाए या गलत जी तरीके से लोग उसको परसीव ना करना शुरू कर दें। सर ये उसमें डिस्क्लेमर भी दे देना कि यार ये रिव्यू नहीं स्पूफ है, आई थिंक ये बड़ी जी बात है। सर बेसिकली जो सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि 2015-16 में ही, उससे पहले तक मैं भी इतना वो नहीं सोचता था इस बारे में, एक इंडिया की तरफ से एक हमें एक तोहफा मिला था रोस्टिंग का, अब वो रोस्टिंग बायर वेस्ट में होती रहती थी लेकिन उसके अंदर यही होता है कि एक बंदे को बिठा के बीच में उसकी इजाज़त के साथ उसकी रोस्टिंग की जाती है, मतलब उसकी इंसल्ट किया जाता है, जी और वो भी इंजॉय कर रहे होते हैं बाकी लोग भी इंजॉय करते हैं, ऐसा हमारे यहाँ पे भी अक्सर स्टेज शोज वगैरह में इस तरह होता है, लेकिन वही जो कॉन्सेप्ट है ना वो फिर इंडिया में एक बहुत ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएटर्स थे उस ज़माने में, AIB के नाम से AIB थे, ने उन्होंने किया बिल्कुल, था, वो बहुत वायरल हो गया था, तो वो एक और कॉन्सेप्ट फिर ना उन पे हमने, हाँ पाबंदियां भी बड़ी जी लगी। वो इतना वो ज़बरदस्ती हमने उसको अपनाया उस चीज़ को कि मुझे ये लगना शुरू हो गया कि मुझे भी ना लोग वो उसी तरह करना शुरू हो गया कि अच्छा ये भी रोस्टिंग कर रहा है रोस्टिंग कर रहा है, तो मैंने जो बेसिकली मैं बताना ही चाह रहा था लोगों को कि यार मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है, आप किसी का मजाक उड़ाएं तो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपको, लेकिन अगर आप मजाक इस तरह का कर रहे हो ना कि जो बंदा है जिसके बारे में बात की वो भी उसको इंजॉय कर रहा है, तो वो उसमें बहुत फ़र्क है, जिस तरह के अंदर मकसूद साहब और मोइन अख्तर साहब करते रहे हैं हमारे टाइम में, हम तो उनको देख के बड़े हुए हैं, तो वो एक कॉमेडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि इधर हो नहीं रही है, तो इसलिए भी फिर दूसरी बात ये कि रोस्टिंग में वो एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक इस तरह होता है कि वो बुरी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, जो अनफॉर्चुनेटली जो यूथ होते हैं, मैं भी उस एज से गुजरा हूँ, उसके अंदर वो आपको थोड़ी सी करती है फैंटेसाइज करती है कि आप कूल हो जाएंगे गालियाँ दे के इस किस्म की चीज़ करके, तो वो भी बताना था लोगों को कि यार इसके बगैर भी कॉमेडी हो सकती है, अभी मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ अक्सर औकात बीच में अगर कोई लड़के जिस तरह बात करते हैं बीच में कोई ना कोई गाली गलौज जिस तरह हो जाती है तो मैं लिखता हूँ तो वो बहुत फनी लग रहा होता है, और फिर मुझे पता है कि मैं किस तरह उसको जो है ना डम डाउन करता हूँ कि नहीं यार इसको तमीज़ से बात करना है तमीज़ से बात करना है, तो वो अगर मैं आपको वैसे बताऊँ तो 4 टाइम्स मोर फनी हो सकता है कॉन्टेंट जिसको मैं सिर्फ डिसेंट करने के चक्कर में वो कर लेता हूँ, तो एक वो भी रीज़न था कि वो रोस्टिंग का जो एक वो लेबल चलता आ रहा है हर एक बंदा कोई भी चैनल बना के किसी को भी पकड़ के उसकी इंसल्ट कर रहा है उसको ख़त्म भी करना था। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज़ आपके पास प्लेटफॉर्म भी है, आपके पास वो फॉलोइंग भी है कि अगर आप वो लाइन क्रॉस करके उधर चले जाएं तो आपके तो फिर वारे न्यारे हैं।
जो मिलियन है वो इंटू फोर आपके मल्टीप्लाई होके बड़े आराम से आपके फॉलोअर्स इंक्रीज करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, नॉट टू ऑफेंड एनी ऑफ आर फॉलोअर्स, मुझे नहीं लगता कि हमारे व्यूवर्स ऐसे हैं, बट जनरली जो ऑडियंस है, एंड आई वॉन्ट इवन से कि पाकिस्तानी ऑडियंस, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी किए उनके अंदर ऐसा जज्बा या इमोशन पैदा हो गया कि जिस किसी को अगर रोस्ट करना है तो पहले खंजर मारो, फिर खाली मारने कई हद तक काफी नहीं है, मार के पहले इधर मरोड़ो फिर उधर मरोड़ो, अच्छी तरह से 4-5 बार मरोड़ के फिर बाहर निकालो तो फिर मजा आएगा, वरना मजा नहीं आया। और बहुत सारे लोग जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो इस लाइन को क्रॉस करते हैं और वो उस तरफ जाते हैं कि यार के गालम गलोच करनी है तो कोई मसला नहीं, अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो दिल खोल के तोपे, क्रिटिसाइज नहीं इंसल्ट करना है। हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम जो ड्रामा को रिव्यू करें, एक्टर्स को रिव्यू करें, तो क्रिटिक करें, क्रिटिसाइज करें, कंस्ट्रक्टिवली करें, इंसल्ट ना करें। फिर भी कभी कभार खुदा ना खास्ता, ना चाहते हुए, अनइंटेंशनली हो जाता है, बट हम रियलाइज कर लेते हैं एंड वी ट्राई टू स्टेप बैक। हालांकि उसमें व्यूअरशिप बहुत एक इनसेन किस्म की आपको मिल सकती है। तो ये जो मुझे, आई नो दैट स्ट्रगल, ये जो आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आई मीन आपने एक्सप्लेन तो कर दिया, बट आई वॉन्ट टू एक्नोलेज दैट, ये भी बड़ी बात है। नहीं सर, बेसिकली हर बंदा अपनी अपनी जिस भी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है कोई ना कोई इसमें भी स्ट्रगल कर ही रहा है, क्योंकि आप देखें जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है उसको भी पता है कि अगर मैं एक्सपायर्ड चीज़ों को बेच दूंगा तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, अगर मैं कोई और दो नंबरी कर लूँगा, कोई मिलावट कर लूँगा तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, बट उसके अंदर भी लोग जो है फिर यही कोशिश करते हैं कि यार इस किस्म का कोई काम ना हो। तो हमारा भी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हमारे ऊपर भी कुछ इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हमें पता है कि हम कौन सी लाइन क्रॉस करेंगे, कितना मसाला डालने की कोशिश करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो मेरा ख्याल में यही आजमाइश है हर किसी की हो रही है, इंशाल्लाह और कुछ ना हो तो अल्लाह ताला इसी में बरकत डाल देते हैं।